Very good morning, students. I am your teacher, and today I am going to teach you Hindi. आज मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी. बच्चों, आज हम हिंदी में उचित स्थान पर आ की मात्रा लगाना सीखेंगे. लगाइए यानी हम उचित स्थान पर आ की मात्रा लगाना सीखेंगे कि आ की मात्रा कहाँ आएगी. तो चलिए देखते हैं. ये है हमारा, देखो माँ, ये आ की मात्रा पहले से इसमें लगी हुई है. ये है माँ और ये ल, तो मात्रा हम ल पर लगाएंगे तो हो जाएगा ये हमारा. तो ल पर लगा दिया हमने तो क्या बन गया, मा ला, माला. इसी तरह से देखो ये है त, तो पर फिर आ की मात्रा है तो ये हो गया ता ल. तो हम यहाँ इस पर मात्रा लगा देंगे आ की तो क्या बन गया ये ला. तो ता ला, ताला. इसी तरह से देखिए ये स है बच्चों, स पर ये आ की मात्रा पहले से लगी हुई है तो ये क्या है सा. और ये र, र पर हमने आ की मात्रा लगा दी, ये क्या बन गया रा. तो सा रा, सारा. कहते ना मुझे सारा दे दो, तो सारा. देखो ये है म और ये आ की मात्रा तो क्या बन गया मा. और ये न, मा न. अब न पर बच्चों हम ये आ की मात्रा लगा दें तो ये क्या बन जाएगा मा. ये ना, माना. कहते ना माना. अब देखो ये है च, च पे ये आ की मात्रा है तो ये है चा. और ये र, अब र पर बच्चों हम ये आ की मात्रा लगा देते हैं तो क्या बन जाएगा रा. अब पढ़ेंगे हम चा रा, चारा. इसी तरह से देखिए नेक्स्ट ये है म, म पर ये आ की मात्रा है तो क्या बन गया मा. ये त, और त पर हम यहाँ पे आ की मात्रा लगा देते हैं तो ये बन जाएगा ता. आ की आवाज आएगी तो क्या बन गया मा ता, माता. माता किसे कहते हैं, मम्मी को, माता. देखो ये क्या है ह, और पर ये आ की मात्रा है तो क्या बन गया हा. बच्चों जिसमें भी आ की मात्रा होती है जिस अक्षर पर उसे हम आ की तरह बोलते हैं आ. तो ये है हा, तो ये है र. र पर हमने यहाँ आ की मात्रा लगा दी तो इसे क्या पढ़ेंगे रा. हा रा, हारा. अब देखिए ये क्या है घ और ये ड, तो ड पर हम आ की मात्रा लगा देते हैं तो बच्चों क्या बन गया घ ड़ा, घड़ा. घड़ा क्या होता है, जिसमें हम पानी भरते हैं फिर उस घड़े का पानी हम ठंडा ठंडा पानी पीते हैं तो ये है घड़ा जो मिट्टी का होता है. अब देखो ये क्या लिखा हुआ है च, और ये आ की मात्रा है तो क्या बन गया ये चा. फिर ये च, इसमें हम यहाँ आ की मात्रा लगा देते हैं बच्चों तो ये भी क्या बन गया चा. चा चा, चाचा. आपके भी चाचा है ना घर पर, चाचा. अब देखो ये क्या है ख, और ये आ की मात्रा लगी हुई है तो ये हो गया खा न. अब न पर हम यहाँ आ की मात्रा लगा देते हैं तो ये क्या बन गया ना. खा ना, खाना. आप खाना खाते हो, वो खाना. अब नेक्स्ट, अब हम इसे पढ़ेंगे.
क्या लिखा हुआ है, म, और फिर देखो आके माता लगी हुई है तो कैसे पढ़ेंगे, मा, फिर ये म। अब इस म पर फिर हमने आके माता लगा दी ऐसे, तो ये क्या बन गया, मा, क्योंकि आके माता है तो आके तरह ही आवाज आएगी, मा। अब दोनों को पढ़ेंगे एक साथ, मा मा मामा। तो मामा कौन होते हैं, जो मम्मी के भाई होते हैं, आपके मामा जी आते हैं आपके घर। चलिए अब नीचे देखो, ये द है, द पर ये आ की माता, तो क्या है ये, दा। अब ये न, हम न पर आ की माता लगा देते हैं तो ये क्या बन गया, ना। अब दोनों को मिलाएंगे हम, दा ना, दाना। दाना क्या होता है, चिड़ियों को हम दाना चुगाते हैं, दाना। तो इस तरह से हमने क्या सीखा, उचित स्थान पर आके मात्रा लगाना सीखा। तो इसी तरह से आप मात्रा लगाने की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।